हरे कृष्णा राधे राधे। आज आपको शिव बिहारी जी महाराज के चमत्कार की एक और सत्य घटना बताती हूँ। कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, मुसीबत में उनकी मदद करते हैं। ये घटना मथुरा निवासी श्री ओम प्रकाश सक्सेना के साथ हुई थी। इस घटना का वर्णन हमें उनके सुपुत्र ने भेजा है। सन 1975 की घटना है ये। उस समय श्री ओम प्रकाश जी की उम्र करीब 37 साल की थी। उनके 5 बच्चे हैं। उनकी पत्नी भी आदर्श भारतीय नारी पतिव्रता, उनका सुखी संपन्न परिवार। श्री ओम प्रकाश जी की आगरा में सरकारी नौकरी थी, इसलिए रोज मथुरा से आगरा जाते, पर हर हफ्ते बिहारी जी महाराज के दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगवाते। उनकी बीवी और बच्चे महीने में कभी एक आध बार ही आ पाते थे, पर हमारे श्री ओम प्रकाश जी वो तो जरूर ही जाते थे बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए। रोज नौकरी से आते हुए श्री रंगेश्वर मंदिर में दर्शन जरूर करते। भगवान के प्रति उनकी गहन आस्था है, बिहारी जी पर तो विशेष विश्वास और प्रेम। उस समय आवागमन के कोई खास साधन भी नहीं थे, इसलिए वो जब भी बिहारी जी महाराज के दर्शनों को जाते तो साइकिल से ही मथुरा से वृंदावन जाते। एक समय श्री ओम प्रकाश जी को बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए जाना था। सुबह कुछ आवश्यक काम पड़ गया, इसलिए जा ना सके। वो दोपहर में निकले। जब पहुंचे तो मंदिर में बहुत भीड़ थी। शाम के 7 बज गए थे। बढ़िया बिहारी जी महाराज के दर्शन किए, प्रसाद लिया, बहुत अच्छे मन से वो घर के लिए निकले। ठंड की रात थी, घना अंधेरा छाया हुआ था, सड़कें भी खाली थी। श्री ओम प्रकाश जी मन में बिहारी जी को याद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सोच रहे थे आज बिहारी जी कितने सुंदर लग रहे थे, क्या मनमोहक श्रृंगार था उनका। रात के करीब 9 बजे थे, तभी पीछे से तेजी से आती एक अम्बेसडर कार ने उन्हें टक्कर मारी और उसी तेजी में आगे निकल गया। श्री ओम प्रकाश जी दूर जाके गिरे और साइकिल पूरी तरह टूट गई, पर आश्चर्य की बात कि उन्हें खरोच तक नहीं आई। इसे कहते हैं बिहारी जी महाराज की कृपा। साइकिल की हालत देखकर कोई नहीं कह सकता था कि सवार को चोट ना लगी हो। श्री ओम प्रकाश जी ने दिल से बिहारी जी महाराज को धन्यवाद दिया, पर अब एक नई मुसीबत उनके सामने थी। घर बहुत दूर था, ठंड बढ़ रही थी, साइकिल टूट गई थी, सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। अब श्री ओम प्रकाश जी सोचने लगे, इस अंधेरे में कोई वाहन भी नहीं है और साइकिल भी खराब हो गई है, पैदल भी चलूंगा तो सुबह तक ही घर पहुंच पाऊंगा, फिर कल ऑफिस भी जाना है, बड़ी भारी मुसीबत आन पड़ी है, करे तो करें क्या। ऊपर से कोई साधन भी नहीं कि घर पर सूचना कैसे दे, क्योंकि इस समय तक तो वो हर बार घर पहुंच ही जाते थे। वो सोच रहे थे कि श्रीमती बच्चों के साथ अकेली है, चिंता करेंगी, बच्चों को लेकर मुझे कहाँ देखने आएंगी। इन्हीं सब विचारों से वे परेशान होने लगे और बिहारी जी महाराज को मदद के लिए बुलाने लगे। तभी अचानक उस सुनसान सड़क पर उन्हें पीछे से एक तांगा आता दिखा। वो हैरान रह गए, क्योंकि 2 मिनट पहले जब उन्होंने पीछे देखा था तो दूर दूर तक कोई वाहन नहीं था, और अचानक ये तांगा कहाँ से आ गया। जंगल का सुनसान रास्ता था, लोग डराने वाली बहुत सी कहानियां सुनाते हैं, तो श्री ओम प्रकाश जी को भी थोड़ा डर लग रहा था। जब श्री ओम प्रकाश जी ये सब बातें सोच ही रहे थे, इतने में ही वो तांगा वाला उनके पास पहुंच गया और पूछा क्या हुआ। तांगे वाले को देखकर श्री ओम प्रकाश जी के मन से सब डर निकल गया। उस तांगे वाले में एक अजीब सा आकर्षण था, आवाज में मिठास, एक खनक। तांगे वाले ने दोबारा पूछा, बाबूजी इस सुनसान सड़क पर साइकिल पकड़े कहाँ जा रहे हो। श्री ओम प्रकाश जी बोले, भैया अभी एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, पर साइकिल पूरी तरह टूट गई है। मथुरा का रहने वाला हूँ, वृंदावन बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए आया था। तांगे वाला प्रेम से बोला, कोई बात नहीं बाबूजी, आप आओ बैठो, मैं आपको मथुरा छोड़ आता हूँ। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। तांगे वाले की बात सुनकर ओम प्रकाश जी को बहुत खुशी हो गई। तांगे पर साइकिल लादे और खुद भी आराम से बैठ गए। अब उन्हें बहुत तसल्ली मिल रही थी। वो मन ही मन बिहारी जी महाराज को दिल से बार बार धन्यवाद दे रहे थे। रास्ते भर ओम प्रकाश जी उस तांगे वाले से बातें करते रहे। तांगे वाले की बातें सुनना उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था। बातों बही बातों में वो मथुरा अपने घर भी पहुंच गए। ओम प्रकाश जी उसे धन्यवाद देते हुए तांगे से उतरे, अपनी साइकिल उतारी। उनकी आवाज सुनकर उनके श्रीमती जी घर से बाहर आए, साइकिल की हालत देखकर बोली, अरे ये क्या हुआ। ओम प्रकाश जी उन्हें बताने लगे। उन्हें बताकर जैसे ही वो मुड़े तो देखा तांगा ही नहीं है वहाँ पे। दोनों बड़े ही हैरान, तांगे वाले ने पैसे भी नहीं लिए। अगर वो तांगा लेकर जाता तो पता चलता घोड़े की आवाज होती, कैसे कि वो तांगा ले गया और आवाज भी नहीं हुई। उसने पैसे क्यों नहीं लिए, वृंदावन से मथुरा तक छोड़ा, वो भी इतनी ठंड भरी रात में, और पैसे लिए बिना ही चला गया।
तब दोनों को यकीन हो गया कि वो तांगने वाला और कोई नहीं हमारे बिहारी जी महाराज थे, जो अपने भक्त के संकट दूर करने के लिए खुद आए थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ये एक सच्ची घटना है, इसकी प्रमाणिकता स्वयं ओम प्रकाश जी है, जिनकी आयु अब 84 साल की है। अगर इस घटना को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हुए हो, आंखें कुछ नम हुई हो और दिल जोर से धड़का हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट करके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगा देना। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।